नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इंडियन स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ की सीरीज़ में। इस सीरीज़ में हम आपको इंडियन स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ के बारे में विस्तार से बताएंगे। वीडियो पूरा ज़रूर देखिए और अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। दोस्तों, आज हम बात करेंगे यूनियन टेरिटरी लक्षद्वीप के बारे में। बात कर लेते हैं कुछ की पॉइंट्स की। लक्षद्वीप के अगर एरिया की हम बात करें तो लक्षद्वीप का टोटल एरिया है 32 स्क्वायर किलोमीटर। लक्षद्वीप इंडिया का सबसे छोटा यूनियन टेरिटरी है। पॉपुलेशन की अगर हम बात करें तो लक्षद्वीप की टोटल पॉपुलेशन है अप्रॉक्सीमेटली 65,000। पॉपुलेशन के हिसाब से भी लक्षद्वीप इंडिया का सबसे छोटा यूनियन टेरिटरी है। लिटरेसी रेट की अगर हम बात करें तो लिटरेसी रेट यहाँ पर है 92%, जो कि केरला के बाद दूसरे नंबर पर आती है। लक्षद्वीप की कैपिटल है करावटी, जो कि अगाती एयरपोर्ट, जो कि एकमात्र एयरपोर्ट है लक्षद्वीप में, उससे 58 किलोमीटर के डिस्टेंस पर लोकेटेड है। यहाँ का बिगेस्ट आइलैंड है एंड्रॉट। लैंग्वेज की अगर हम बात करें तो यहाँ पर बोली जाती है इंग्लिश और मलयालम। व्हीकल कोड है यहाँ का LD लक्षद्वीप। ज्यूरिसडिक्शन की अगर हम बात करें तो ये केरला हाई कोर्ट ज्यूरिसडिक्शन के अंडर आता है। अगर अल्कोहल कंजम्पशन की बात करें तो लक्षद्वीप में अल्कोहल कंजम्पशन अलाउड नहीं है। केवल बंगाराम आइलैंड को अगर हम छोड़ दें तो किसी अदर दूसरे आइलैंड पर अल्कोहल अलाउड नहीं है। फेमस फूड की अगर हम बात करें तो यहाँ पर फेमस फूड के तौर पर आपको मिलेगा सांभर राइस, करी एंड फ्राइड फिश, सी फूड एक्सेट्रा। इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल की अगर हम बात करें तो सिंस यहाँ पर मुस्लिम पॉपुलेशन है अप्रॉक्सीमेटली 97%, तो यहाँ का जो इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल है वो है ईद और मुहर्रम। अगर इकॉनमी की बात करें तो यहाँ की इकॉनमी बेस्ड है फिशरीज़, टूरिज़्म एट्सेट्रा, इन चीज़ों पर। पूरे लक्षद्वीप में केवल एक ही एयरपोर्ट है, अगाती एयरपोर्ट, और यहाँ के लिए सबसे चीपेस्ट फ्लाइट मिलती है हमें कोची से। लक्षद्वीप कुल 36 आइलैंड से मिलकर बना हुआ है, जिनमें से 10 आइलैंड पे ही लोग रहते हैं, जो हैं एंड्रॉट, अमीनी, अगाती, बिट्रा, चेल्टा, कदमट, कल्पेनी, करावट्टी, किल्टन एंड मिनिकॉय, जिनमें से एंड्रॉट आइलैंड सबसे बड़ा है, जिसका टोटल एरिया है 4.9 स्क्वायर किलोमीटर, लगभग 4,200 किलोमीटर से अधिक लगून क्षेत्र और 36 आइलैंड वाला ये क्षेत्र। यहाँ आने वाले को वो सब कुछ देता है जो उन्हें चाहिए होता है। द्वीप का समुद्र तट 132 किलोमीटर लंबा होने की वजह से ये जगह वाटर स्पोर्ट्स के लिए बेहतरीन जगह है। अगर आप सी फूड के शौकीन हैं तो ये जगह आपको बहुत पसंद आने वाली है, क्योंकि यहाँ की सी फूड के टेस्ट का कोई जोड़ नहीं है। अगर हम बात करें हमें लक्षद्वीप पहुँचना कैसे है, तो लक्षद्वीप पहुँचने के लिए हमें कोच्चि में लोकेटेड स्पोर्ट्स ऑफिस, स्पोर्ट्स जिसका फुल फॉर्म है सोसाइटी फॉर प्रमोशन ऑफ नेचर टूरिज्म एंड स्पोर्ट्स, यहाँ से इनर लाइन परमिट लेना पड़ता है। फर्दर किसी होटल बुकिंग के लिए या किसी और तरीके की बुकिंग के लिए भी हमें स्पोर्ट्स ऑफिस से ही कॉन्टैक्ट करना पड़ता है। तो बेहतर यही होता है किसी मीडिएटर या किसी एजेंट के थ्रू कॉन्टैक्ट ना करके हम स्पोर्ट्स ऑफिस से ही कॉन्टैक्ट करके इनर लाइन परमिट लें या कोई और बुकिंग कराएं। बिकॉज अगर किसी एजेंट के थ्रू हम करते हैं तो किसी एजेंट के थ्रू वो एजेंट भी हमें स्पोर्ट्स ऑफिस से ही कॉन्टैक्ट करके हमारा अकोमोडेशन या बाकी बुकिंग करवाएगा, तो वो कमीशन हम सेव कर सकते हैं डायरेक्टली स्पोर्ट्स ऑफिस से कॉन्टैक्ट करके। लक्षद्वीप पहुंचने के लिए दो तरीके हैं, एक है बाय एयर, एक है बाय सी वे। बाय एयर आपको सबसे सस्ती फ्लाइट मिलेगी कोची से। आप इंडिया के या वर्ल्ड के किसी कोने से भी आ सकते हैं लक्षद्वीप के लिए। एयरपोर्ट यहाँ पर एक ही है, अगाती एयरपोर्ट। और सी वे के लिए भी सबसे जो बेस्ट पॉसिबल वे है, दैट इज़ कोची। कोची इज़ द गेटवे ऑफ लक्षद्वीप। लक्षद्वीप आने के लिए सबसे बढ़िया जो समय होता है वो होता है अक्टूबर से मई तक का। वैसे आप साल में किसी भी दिन आ सकते हैं, किसी भी टाइम आ सकते हैं, बट सबसे उचित समय अक्टूबर से मई का होता है, जिस टाइम बारिश नहीं हो रही होती है, क्योंकि बारिश के टाइम पर जो सी वेव्स हैं वो काफ़ी रफ हो जाती हैं और वो वाटर स्पोर्ट्स के लिए उतनी अच्छी नहीं मानी जाती। बात कर लेते हैं और क्या क्या जगहें यहाँ पर हैं लक्षद्वीप में घूमने के लिए। लक्षद्वीप में घूमने के लिए आपको है मिनिकॉय आइलैंड, जहाँ पर आप बोट राइड के लिए जा सकते हैं। कदमट आइलैंड, जहाँ पर डिलीशियस लोकल सी फूड के लिए आप जा सकते हैं। कावरट्टी आइलैंड सनसेट के लिए बेहतरीन जगह मानी जाती है। मरीन म्यूज़ियम आपको अंडर वाटर वर्ल्ड के बारे में आपको एक उम्दा जानकारी देती है। पिटी बर्ड सेंचुरी, अगर आप
ज़ू वगैरह या बर्ड सेंचुरी में इंटरेस्टेड हैं तो यू कैन स्पॉट सम ब्यूटीफुल बर्ड्स ओवर देयर। थेन्नकारा आइलैंड ब्यूटीफुल लगून के लिए फेमस है। कल्पेनी आइलैंड, गो देयर एंड टेक ए रिलैक्सिंग स्ट्रॉल ओवर देयर। बंगाराम एटॉल द पैराडाइज लाइक आइलैंड, बंगाराम ही एक ऐसा आइलैंड है जहाँ पर आपको अल्कोहल मिलेगी लक्षद्वीप में। अगाती आइलैंड फॉर स्मोक्ड टूना फिश एंड मोर। किल्टन आइलैंड कॉलोनियल स्पॉट के लिए काफ़ी फेमस है। अमीनी बीच फॉर स्कूबा डाइविंग वगैरह के लिए आप इस जगह पर जा सकते हैं। एंड्रॉट आइलैंड, आपको जैसे पता है एंड्रॉट इज़ द बिगेस्ट आइलैंड इन लक्षद्वीप। यूनिक थिंग की अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक यूनिक चीज़ ये है, शादी के बाद जैसे नॉर्मली लड़की लड़के के घर जाती है, लक्षद्वीप में बिल्कुल इसका उल्टा है। लड़का शादी के बाद लड़की के घर जाता है और वहाँ के तौर तरीके जो है वो अपनाता है। तो दोस्तों ये थी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी सबसे छोटी यूनियन टेरेटरी लक्षद्वीप के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका समय शुभ हो।